अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर, लेवल नाइन्थ, यूनिट नंबर फाइव, फैक्टराइजेशन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज है 5.2। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 में, उसके हमने पूरी कम्प्लीट एक्सरसाइज की थी कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के जो पॉलिनोमियल्स थे, तो हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा था। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 5.2 है, उसके सेकंड क्वेश्चन में भी वो कहता है कि फैक्टराइज करें। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं। इन तीन टर्म्स की हमें क्या करनी है? फैक्टराइजेशन करनी है। अब जिस तरीके से हमने पहले सीखा था कि तीन टर्म्स के लिए या तो जस्ट हम कॉमन लेते थे या फिर जो है हम होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यूँ होगा कि ना तो इसमें कोई टर्म कॉमन है और ना ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? क्योंकि फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे कि तीन टर्म्स की चार टर्म्स बनाएंगे, उसके बाद हम पेयर वाले मेथड से करेंगे। जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन किया था, तो तीन टर्म्स की चार टर्म्स बनाने के रूल्स क्या होंगे, उसके जो कुछ रूल्स हैं तो स्टूडेंट सीखिएगा कि उसके रूल ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर बनता है, देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनता है 48x2। अब इसमें जो स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है 48x2, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 48x2 बने, और अगर उन्हीं दो टर्म्स को ऐड करें सेंट्रल वाले टर्म बने 14x। अगर हम ये दो नंबर्स ले लें कि 6x एंड 8x, तो हमारे पास नंबर्स क्या बनेंगे ये देखिएगा जरा। देखिए हमारे पास जो सम है 8x प्लस 6x, इन दो टर्म्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास बन जाएगा 14x, क्योंकि सम जो है दो टर्म्स का ये वाला बनना चाहिए, जबकि जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो हमारे पास क्या बनना चाहिए, इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना था वो बनना चाहिए 48x2, और साइन भी वही होने चाहिए जो इनके साइन थे। तो हमारे पास जो टर्म्स बन रही है वो है 8x और 6x, इन दो को ऐड करेंगे तो 14x बनेगा, इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दो को जो मल्टीप्लाई करने के बाद बना था वो बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम यूँ लिखेंगे x2 प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है तीन टर्म्स की चार टर्म्स बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी के से हमने एक्सरसाइज 5.1 सीखी थी, उसका सेकंड क्वेश्चन था चार टर्म्स जब बन जाती हैं तो उसके हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। फर्स्ट टू टर्म का एक पेयर बन जाएगा, लास्ट टू टर्म का सेकंड पेयर बन जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में एक्स कॉमन है तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 8। सेम इसी तरीके से जो लास्ट टू टर्म्स हैं इसमें 6 कॉमन है। अब वो नंबर कॉमन लेना होता है जो हर टर्म को पूरा पूरा डिवाइड करे। अब देखिए इसको 2 भी करता है इन दोनों टर्म्स को, उसके बाद जो है 3 भी करता है इन दोनों टर्म्स को, और 6 भी करता है। हम कौन सा नंबर लेंगे स्टूडेंट्स, हम जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। 2 भी इन दोनों टर्म्स को पूरा पूरा डिवाइड करता था, 3 भी करता था और 6 भी, तो हम 6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 8, तो 6 को 48 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों में देखेंगे हम सेम क्या है। सेम इसमें है एक्स प्लस 8 जो वन टाइम आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस 6 जो कि हमारी फैक्टराइजेशन होगी। सेम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो भी आप जो है आपके असाइनमेंट है वो आप जिस पे सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से होंगे। और इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी मेथड से होने। तो इसका पार्ट 5 देखते हैं। इसमें देखें तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म में देखें कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेगा 16x2y2।
अब हम क्वेश्चन दो नंबर ऐसे लेंगे कि जिनको ऐड करें उसका सम लें तो माइनस 17x² बने, अगर उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। अब अगर मैं यूँ लिख लूँ कि माइनस 16x और माइनस xy, तो इनको ऐड करने से इनका सम क्या बनेगा स्टूडेंट्स देखिएगा, माइनस 17xy। जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव में आए तो जो भी आपने टर्म्स लेनी है उन दोनों टर्म्स के सेम साइन होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगी, वो डिपेंड करता है इस टर्म पे। सेंटर वाले टर्म नेगेटिव है तो दोनों टर्म्स आप नेगेटिव जान लेंगे, सेंटर वाले टर्म जो है एक्स वन के टर्म में पॉजिटिव है तो दोनों टर्म पॉजिटिव लेंगे। अगर प्रोडक्ट आ जाता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब हम जो है जब प्रोडक्ट नेगेटिव में आ जाता तब हम एक टर्म प्लस वाले लेते एक माइनस वाले लेते। इसमें जो क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था इसलिए हमने दोनों सेम साइन लेने थे, सेंट्रल टर्म के साथ नेगेटिव साइन था तो हमने दोनों टर्म्स नेगेटिव वाले लिए हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का रहेगा तो माइनस 16xy और माइनस xy बन जाएगा माइनस 17xy। अब इन्हीं दो टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस 16xy इंटू माइनस xy, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस 16xy जो इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद बना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टर्म्स क्या बने माइनस 16xy माइनस xy। तो नेक्स्ट का जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 4x² सेम, इसका हम लिखेंगे माइनस 16xy। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से लिखने हैं जो इसके साथ होंगे, xy है तो xy वेरिएबल आएगा उस पर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस xy, ये टर्म सेम। अब सेम यही मेथड है कि फर्स्ट टू टर्म का एक पेयर बन जाएगा, लास्ट टू टर्म का सेकंड पेयर बन जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे एक तो फोर कॉमन आ रहे हैं, दूसरे साथ में वेरिएबल कौन सा कॉमन आ रहे हैं एक्स, तो ये बन जाएगा 4x इंटू 4x कॉमन लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, एक एक्स बाहर आ चुका है बाकी बच्चा, एक एक्स माइनस 4 को 16 पे डिवाइड करेंगे 4x बाहर आ चुका है y। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स के जस्ट y वेरिएबल कॉमन है और साथ में साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई बाहर आ चुका है बाकी हमारे पास क्या बचेगा एक्स, नेगेटिव साइन की वजह से साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4y। अगर ये दोनों पेयर सेम है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन ठीक की हुई है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा जो सेम पेयर बना है तो सेम ये जो फैक्टर है इसका हम बाहर कॉमन ले लेंगे बाकी हमारे पास बचेगा 4x माइनस वाई, ये इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम जो है कोई और पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सेम इसी तरह की है। इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, तीन टर्म्स हैं तो तीन टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट लें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस 39x²y². अब हमने कोई से दो टर्म्स लेनी है कि जिनका हम सम लें तो माइनस 38xy बनेगा, अगर हम उन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास माइनस 39x²y² बनना चाहिए। तो सपोज दैट हम ये वाले ले लेते हैं सम के लिए, अगर मैं यूँ लिख दूँ कि माइनस 39xy प्लस xy, माइनस 39xy माइनस में है ये प्लस में है, ये प्लस में माइनस में है तो माइनस करते हैं तो क्या बनेगा 38xy। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसी का ही प्रोडक्ट लें इन्हीं दो टर्म्स का ही प्रोडक्ट जब लेंगे तो माइनस 39xy इंटू xy तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 39xy² अब इसमें देखिए प्रोडक्ट जो था हमारे पास नेगेटिव नंबर था, एक नंबर हमने पॉजिटिव लेना था एक नंबर हमने नेगेटिव नंबर लेना था एक टर्म पॉजिटिव। अब हमने कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है वो डिपेंड करता है इस टर्म पे। अगर इस टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो जो बड़ी टर्म होगी जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा उसका हम नेगेटिव साइन लेंगे, दूसरी का हम पॉजिटिव साइन लेंगे। सपोज दैट स्टूडेंट्स अगर ऐसा होता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता फिर हम क्या करते फिर हम इसको नेगेटिव लेते इसको पॉजिटिव लेते, मतलब कि हमारा कंसेप्ट क्या बना
कंसेप्ट ये बना कि जब भी दो टर्म का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आए तो दोनों टर्म्स के सेम साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन है तो दोनों टर्म पॉजिटिव में, नेगेटिव साइन है तो दोनों टर्म्स नेगेटिव में, तो सेम साइन कब लेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव में आ जाए। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव साइन आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टर्म नेगेटिव नंबर लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव कौन सी लेनी है या फिर हमने नेगेटिव कौन सी लेनी है, ये डिपेंड करता है सेंट्रल टर्म पे। तो अगर नेगेटिव साइन है तो बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन, छोटी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन। अगर इधर पॉजिटिव साइन है तो फिर छोटी टर्म के साथ जो है हम नेगेटिव साइन लेते हैं, बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो सो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास बन जाएगा 3x²-39xy + xy - 13y². अब के स्टूडेंट्स देखें हमारे पास फोर टर्म बन चुकी हैं, फर्स्ट टू टर्म का एक पेयर बन जाएगा, अगली लास्ट टू टर्म का सेकंड पेयर बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक तो 3 कॉमन है, दूसरा हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 3 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 13y। नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से ये स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें जो है y वेरिएबल कॉमन है तो y जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 13y बन जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स सेम है तो इसको हम वन टर्म लिखेंगे x माइनस 13y इनटू 3x प्लस y। तो जो स्टूडेंट्स देखिएगा इस तरीके से जो इसके बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के वो आपके असाइनमेंट हैं, वो आप रजिस्टर पे चेक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।